हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मोटिवेशन में। और दोस्तों, मेरे पास ये लेफ्ट साइड में जो स्मार्टफोन है ये ओप्पो F11 प्रो है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं वीवो V15 प्रो। दोनों 1% चार्जिंग लेवल पे है अभी, और दोनों का आज इस वीडियो में चार्जिंग टेस्ट करेंगे। दोनों के यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर मेरे पास रखे हुए है, और इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फटाफट से, इनका सेटअप कम्प्लीट करके चार्जिंग वगैरह यहाँ पे इंसर्ट इनमें कर देता हूँ, ताकि हम फटाफट से देख सकें इनका चार्जिंग रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है और कौन सा फास्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इनका चार्जिंग सेटअप कम्प्लीट कर लिया है, और यहाँ पे इनको चार्ज लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने चार्ज, और यहाँ पे ये टाइमर भी मैंने कर दिया ऑन। दोनों 1% चार्जिंग लेवल पे है, और दोनों में ही अपने को अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ओप्पो F11 प्रो है वो यहाँ पे 4000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिलता है। ये चीज हमको कंसिडर करनी होगी चार्जिंग टेस्ट में, आपको बता देता हूँ। और जो वीवो V15 प्रो है उसमें 3700 mAh बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों में जो mAh है उस अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे आगे चल के। तो 4000 mAh और 3700 mAh दोनों में डिफरेंट है। और यहाँ पे दोनों की चार्जिंग टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ड्यूल इंजन क्विक चार्ज आपको वीवो V15 प्रो में देखने को मिलता है, और वूक चार्ज 3.0 अपने को ओप्पो F11 प्रो में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का चार्ज रिजल्ट सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि 30 मिनट्स में ओप्पो F11 प्रो चार्ज हो जाता है 49% तक आपका। तो 1% में हमने चार्जिंग यहां पे लगाया था, और 30 मिनट्स यहां पे ये कंप्लीट हो गए। और अब देखते हैं कि यहाँ पे ओप्पो सही में 49% तक चार्ज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 49% से ये 50% हो गया, 1% अपना चार्जिंग लेवल पर था, तो कंपनी ने एक्यूरेट बताया और अपना रिजल्ट भी एक्यूरेट यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे 44% अपना ये चार्ज हुआ है वीवो V15 प्रो। तो दोनों का अगर mAh की बात करें तो 4000 का 50%, यहाँ पे 2000 mAh चार्ज हुआ ओप्पो F11 प्रो, और यहाँ पे 1628 mAh 44% 3700 mAh का, तो 1628 mAh यहाँ पे वीवो का V15 प्रो चार्ज हुआ है। तो 2000 mAh इसने चार्ज किया, और 1628 mAh आधे घंटे में वीवो ने चार्ज किया। तो यहाँ पे ओप्पो F11 प्रो का जो वूक चार्ज वो काफी फास्ट यहाँ पे लग रहा है अभी। तो बाकी आगे चल के हम यहाँ पे और इनका जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 90%, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन हम 90% का रिजल्ट देखते हैं, कि कोई भी स्मार्टफोन ज़्यादातर 90% तक फास्ट चार्ज होता है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, या कई स्मार्टफोन बहुत स्लो होते हैं, आपको वो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 90% पे पहुंच गया है अपना ओप्पो का F11 प्रो। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो 56 मिनट और 57 सेकेंड, यानी 57 मिनट्स करीब मान सकते हैं ओप्पो F11 प्रो 90% पे, और ये 79% पे था उस टाइम। तो यहाँ पे ओप्पो का जो F11 प्रो है वो काफी फास्ट है, 90% के लेवल पे 57 मिनट्स पे पहुंच गया, और ये 79% पे था उस टाइम। बाकी आपको जो पूरा समरी है वो आगे चल के मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। अभी देखते हैं कि भाई जो वीवो का V15 प्रो है वो 100% कितनी देर में होता है, और ये ओप्पो F11 प्रो 100% कितनी देर में होता है। उससे पहले 1 घंटे का चार्जिंग रिजल्ट आप देख रहे हैं, 1 घंटे का हम टोटल देखते हैं तो यहाँ पे 92% 93% हुआ है ओप्पो का F11 प्रो, और 83% यहाँ पे हुआ है वीवो का V15 प्रो। तो 1 घंटे का ये चार्जिंग रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 10% का फर्क है, प्लस एमएच भी यहाँ पे ज्यादा है, 4000 mAh यहाँ पे ये ओप्पो F11 प्रो में है। तो ओप्पो F11 प्रो काफी लीड कर रहा है। अब देख लेते हैं 100% चार्जिंग लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो ओप्पो यहाँ पे पहुंच गया बहुत जल्दी, 1 घंटा 13 मिनट यहाँ पे उसने लिए, तो 1 घंटे 14 मिनट आप देखिए एक्यूरेट मान सकते हैं, यानी 74 मिनट्स यहाँ पे इसने लिए 100% पहुंचने पे। तो ये ओप्पो का F11 प्रो वो 92% पे था, अभी 100% पे ये पहुंच गया, तो ये काफी पीछे है। अब वीवो V15 प्रो की बात करें तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग टेस्ट करते टाइम एक चीज देखी, अभी इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं मैं, कि यहाँ पे जो वीवो का V15 प्रो है वो 100% पहुंचने में बहुत टाइम लिया 90% के बाद में, तो ये काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जबकि ओप्पो का तो फिर भी फास्ट ही था। तो ये भी 100% चार्जिंग लेवल पे पहुंच गए यहाँ पे 1 घंटे 46 मिनट, काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम ले लिया इसने 1 घंटे 46 मिनट, यानी 1.25 घंटे करीब आप बोल सकते हैं। तो इसने 1.25 घंटे का यहाँ पे टाइम ले लिया 100% पहुंचने पर, उसने सिर्फ 74 मिनट्स लिए यहाँ पे ओप्पो F11 प्रो ने, जिसमें इसके ओप्पो F11 प्रो की बैटरी भी ज्यादा है, 4000 mAh देखने को मिलती है। तो ओप्पो का यहाँ पे ये जो आपको मिलता है वूक चार्ज 3.0, ये काफी फास्ट है वीवो के ड्यूल इंजन क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी से। तो ये था दोनों का चार्जिंग टेस्ट का रिजल्ट, ओप्पो वर्सेस वीवो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।